क्या आपको मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में कौन सा एलिमेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, कौन सा बेनिफिशियल एलिमेंट्स में आते हैं, ये याद रखने में तकलीफ़ होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो गाइस, दिस इज़ तथागत माझा। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माई चैनल बायोलॉजी विद ब्रदर। तो आज का हमारा इस वीडियो का यार मोटिव जो है वो कुछ ट्रिक्स के थ्रू माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट यानी और भी जितने तरीके के एलिमेंट हमारे एनसीईआरटी में अभी दिया हुआ है, जो कि आपके नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाएंगे, उनका कुछ ट्रिक्स के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे। और इन ट्रिक्स के थ्रू आप अगर इस मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर को एक बार पढ़ लें इन ट्रिक्स के थ्रू, तो आपका लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगा और बहुत सारे चीज़ आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। बस एक ही काम करना है, इस वीडियो को मेरे साथ पूरा देखना है और इन निमोनिक्स को चाहे तो अपने नोटबुक या फिर एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लेना है और उनको बार बार रिवाइज भी करने हैं। तो इस वीडियो का जो ट्रिक्स यूज़ किया है मैंने, तो वो मैंने कुछ तो हमारे पार्थ गोयल भैया है तो उनके चैनल से लिया है, क्योंकि मैंने भी वही ट्रिक्स यूज़ किया था। और कुछ कुछ ऐसे ट्रिक्स भी होंगे जो कि मैंने खुद ने बनाए थे, यानी मैं जब पढ़ रहा था तो वो पढ़ते पढ़ते अचानक हो जाता है ना, कुछ ट्रिक्स ऐसे क्लिक हो गया तो वैसे बनाया था। तो पहले हम लोग चलते हैं सीधा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। तो आई डोंट थिंक आपको इसका बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे बोलने की ज़रूरत पड़ेगा कि इनका पूरा जो ड्राई वेट है, ड्राई वेट में 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा होना चाहिए तभी वो मैक्रो न्यूट्रिएंट होगा। तो इसका ट्रिक जो होगा वो होगा जॉन्स पी के एम जी सी ए। तो ये जो हिंदी वर्ड है ये थोड़ा वियर्ड होगा, लेकिन आप ये चीज़ याद रखिए कि ट्रिक या निमोनिक जितना वियर्ड होगा तो उतना आपको याद होने की चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये जो है जॉन्स पी के एम जी सी ए, इसको अगर आप इनके लेटर के फॉर्म में लिख लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सी एच ओ एन एस पी के एम जी और सी ए। तो ये आपका एलिमेंट जो हो जाएगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट का ट्रिक। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट पहले तो इसका डेफिनेशन है कि जिसका पूरे ड्राई वेट में 10 मिलीमोल पर केजी से वेट कम है, ये आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो ट्रिक है वो आपको ऐसे याद रखना है कि ज़रा फिर मन को मोहब्बत करनी। तो ऐसा भी आप एक स्टोरी के थ्रू सोच सकते हैं कि हमारा नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन चल रहा है, तो अभी तो हम कुछ मोहब्बत या फिर ऐसे बाबू सोना ये सब नहीं कर सकते, तो एग्ज़ाम के बाद ज़रा फिर से मन को मोहब्बत करनी है, ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो जेड जो है इसके थ्रू हम जिंक को डिनोट करते हैं, और फिर यहाँ पे एफ के थ्रू फेरस, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है जो कि आपको याद रखना चाहिए कि एफ के थ्रू आप फ्लोरीन नहीं बल्कि फेरस रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मन, तो यहाँ पे मैंगनीज है, और कोबाल्ट जो है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, कोबाल्ट यहाँ पे आपको पोटेशियम नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है पोटेशियम आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ये आपका कॉपर हो जाएगा। और एम फॉर आपका मॉलिब्डेनम, बी फॉर बोरॉन, और फिर जो आखिरी के कुछ जो चीज़ हम गलत कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट भी कर दिया है कि आप कोबाल्ट को गलत कर सकते थे, और कर जो है तो वो आपका बेसिकली क्लोरीन है, तो ये चीज़ आप गलत कर सकते थे, ये दोनों मैंने आपको मार्क कर दिया है। और फाइनली आपका निकल। तो फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, ज़रा फिर मन को मोहब्बत करनी, जेड फॉर जिंक, एफ फॉर फेरस, एम फॉर मैंगनीज, को फॉर कॉपर, एम फॉर मॉलिब्डेनम, बी फॉर बोरॉन, कर और के फॉर क्लोरीन, एन फॉर निकेल, ये आपका हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसके बाद आता है बेनिफिशियल एलिमेंट। तो बेनिफिशियल एलिमेंट जो है माइक्रो और मैक्रो के अलावा भी कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट के ग्रोथ में, तो वो आपका बेनिफिशियल एलिमेंट हो जाते हैं। और उनका जो निमोनिक है वो भी सिर्फ उनका नाम का एब्रीविएशन फॉर्म है, ना को सी से, ऐसे ही थोड़ा वियर्ड सा साउंड करेगा लेकिन अगर आप इसको याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपका ना को सी से अगर आप इसको एकदम अंग्रेजी वर्ड में लिख लेंगे तो आपका क्या स्पेलिंग हो जाएगा, एन ए सी ओ एस आई ए सी। तो आप लोग देख पाएंगे कि सोडियम, कोबाल्ट, सिलिकॉन, सेलेनियम, आपका जितना भी बेनिफिशियल एलिमेंट आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है वो आपका इस आसान से थोड़ा वियर्ड वर्ड से आपका आ जाता है।
इसके बाद जो आता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जनरली बहुत ज़्यादा टाइम आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, यह है क्लोरोसिस। तो इसका ट्रिक काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, जो कि आपको, मुझे तो पार्थ भैया के चैनल से मिला था, मैंने भी खुद ने यही ट्रिक यूज़ किया था, काफ़ी अच्छा लगा था मुझे ये ट्रिक, और काफ़ी फनी भी है ये ट्रिक। तो इसका जो ट्रिक है वो कुछ ऐसा है, नेपोलियन काका आयरन मैन से जूता मोज़ा मांगा। तो कुछ वियर्ड लग रहा है कि आपका नेपोलियन काका कोई है ऐसा, कोई एक काका जिनका नाम है नेपोलियन, वो है एक आयरन मैन जो है, ओरिजिनल मूवी वाला आयरन मैन नहीं, कोई एक आयरन मैन शॉपिंग आप सोच सकते हैं, या फिर आपका कोई आयरन मैन दूसरा कोई अंकल है, तो नेपोलियन काका उस आयरन मैन से जूता मोज़ा मांगा। तो यहाँ पे एन के थ्रू आप नाइट्रोजन को डिनोट करते हैं, काका के थ्रू पोटेशियम, फिर आपका आयरन जो है वो डायरेक्टली आपको फेरस, फिर मैन से आप मैंगनीज, एस से सल्फर, और जूता का जो जे है उसके थ्रू आप जिंक को डिनोट करते हैं, और आपका मोज़ा एम ओ तो उसके थ्रू आप मॉलिब्डेनम को रिप्रेजेंट करते हैं, और मांगा यहाँ पे एम जी आ रहा है, क्योंकि मांगा जो स्पेलिंग है उसमें एम ए एन जी ए तो एम जी आ रहा है, तो इसके थ्रू आप मैग्नीशियम को डिनोट करते हैं। और अगर आप क्लोरोसिस का अगर बेसिक डेफिनेशन जानना चाहेंगे, तो क्लोरोसिस मतलब बेसिकली आपका लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीडिंग टू आपका येलोइंग ऑफ लीव्स। तो जो लीव्स होते हैं वो बिना क्लोरोफिल रहने के कारण या फिर क्लोरोफिल के लॉस होने के कारण वो येलोइश हो जाते हैं। इसके बाद आपका आता है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक और ट्रिक, जो कि है आपका नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्रोसिस में क्या होता है कि डेथ ऑफ टिश्यू हो जाता है, स्पेसिफिकली आपका लीफ कुछ एलिमेंट के लॉस के कारण या फिर कुछ एलिमेंट के डेफिशिएंसी के कारण, तो इसको आप नेक्रोसिस कहते हैं। तो नेक्रोसिस का जो ट्रिक है वो है कार मांगा कुत्ता काटा। तो ऐसा भी आप एक स्टोरी बना सकते हैं कि हाँ हमने अपने किसी भी बगल वाले दोस्त के घर से उसका जो कार्ड है वो मांगने गया, और उसको मांगते गया तो उसका घर का जो कुत्ता है उसने काट दिया। इस स्टोरी के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि कार मांगा कुत्ता काटा। तो पहले जो आता है कार, सी ए फॉर कैल्शियम, मांगा के थ्रू तो आप मैग्नीशियम को डिनोट करते हैं, इससे पहले भी हमने ऑलरेडी देख लिया। कुत्ता तो आपका ये थोड़ा वियर्ड होगा कि कुत्ता जो है ये फिर से कॉपर को डिनोट कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अल्टीमेटली जो काटा के थ्रू पोटेशियम को आप डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद जो आपका आखिरी के जो दो निमोनिक हमारे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू आई थिंक एक अच्छा सा क्वेश्चन बन सकता है। एक तो आपका है डिले इन फ्लावरिंग, यानी फ्लावरिंग में डिले हो रहा है, एक है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन जो है वो हो नहीं पा रहा है, इनहिबिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है काफ़ी सिमिलर है, सिर्फ एक एलिमेंट का डिफरेंस है। तो ऐसे आपसे पूछ सकता है कि जो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में कौन सा एक्स्ट्रा एलिमेंट का डिफिशियंसी होता है जो कि डिले इन फ्लावरिंग में नहीं होता, ऐसे आपको पूछ सकता है, जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग नहीं कर पाएंगे। अगर वो ट्रिक्स के थ्रू याद रख लेंगे तो काफ़ी आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये आपके लिए। तो पहले तो डिले इन फ्लावरिंग का जो ट्रिक है वो है मॉन्स। इसको आप जो फीमेल जेनिटालिया जो होते हैं तो उसमें मॉन्स प्यूबिस होते हैं, आप लोगों ने आई थिंक नाम सुना ही होगा, तो उस मॉन्स के थ्रू आप याद रख सकते हैं। तो एम ओ एन एस, यहाँ पे एम ओ फॉर तो मॉलिब्डेनम सबको पता है, एन फॉर नाइट्रोजन, और अल्टीमेटली एस फॉर सल्फर। ये मैंने खुद ने मेरे प्रिपरेशन जर्नी में ये यूज़ किया था मैंने, मॉन्स ये मैंने खुद ने ही बनाया था बेसिकली। इसके बाद आपका एनसीईआरटी का जो फाइनल ट्रिक आता है वो है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन का जो ट्रिक है वो है मुस्कान। मुस्कान तो एक किसी लड़कियों का नाम है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मुस्कान को अगर आप वर्ड के थ्रू लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, एम यू एस के ए एन। और यहाँ पे मैंने जो न्यूनिक या फिर ट्रिक जो दिया है इसमें जो जो कैपिटल लेटर में लिखा है वही आपका सेंस करता है, बाकी का जो स्मॉल लेटर में लिखा है वो सेंस नहीं करता। तो एम के थ्रू यहाँ पे फिर से मॉलिब्डेनम, एस के थ्रू फिर से सल्फर, और के ए यहाँ पे पोटाश, के थ्रू हम लोग पोटासियम को डिनोट करते हैं, और अल्टीमेटली एन के थ्रू फिर से नाइट्रोजन को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अब तक तो आंसर आपको मिल चुका होगा कि कौन सा एलिमेंट है जो कि डिले इन फ्लावरिंग में नहीं होता लेकिन इनहिबिशन इन सेल डिवीजन में होता है, वो आपका हो जाता है पोटासियम। तो आई होप कि ये सारे ट्रिक्स आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैं फिर से पार्थ भैया को थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने का परमिशन भी दिया है, और मैंने भी अपने प्रिपरेशन जर्नी में जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो उनका ही ये ट्रिक से ये वाला चैप्टर मेरा काफ़ी आसान हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत बार पूछा जाता है,
तो इसीलिए आपको भी अच्छे से रेडी कर लेना चाहिए। और आई होप ये ट्रिक अगर आप कुछ 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा वियर्ड सा ट्रिक है, और वियर्ड न्यूनिक जितना होगा तो आपको याद होने की चांसेस भी उतना ज़्यादा होता है। और इसी के साथ यार आज हम लोग इस वीडियो का ख़त्म करेंगे। और वीडियो एंड करने से पहले मैं फिर से आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम।